ऊपरी एंडोस्कोपी यानी कि अपर जी एंडोस्कोपी। इस परीक्षण में एक पतली लचीली ट्यूब जिसके सिर के हिस्से पर लाइट और कैमरा होता है उसको मरीज के मुंह में डाला जाता है और जिससे अन्य नली के अंदर की त्वचा का निरीक्षण किया जाता है। अगर कोई असामान्य दिखने वाला एरिया महसूस होता है तो डॉक्टर उसमें से बायोप्सी लेता है और उसको लेबोरेटरी में सबमिट किया जाता है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपी के जैसा ही एक टेस्ट है जिसमें एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड मशीन एंडोस्कोपी के ऊपर लगाई जाती है। इस टेस्ट से ट्यूमर अन्य नली के भीतर कितना फैला हुआ है और वो आसपास के लिम्फ नोड्स में फैला है कि नहीं उसका पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट के दौरान इन लिम्फ नोड्स में से बायोप्सी भी ली जा सकती है। सीटी स्कैन काफी कॉमनली किया जाने वाला टेस्ट। इस टेस्ट में विभिन्न कोणों से लिए गए एक्सरे से शरीर के अंदर की तस्वीरें बनाई जाती है जिससे ट्यूमर का स्थान लंबाई और सीमा का सुनिश्चित किया जाता है। इस टेस्ट को कारगर बनाने के लिए कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो एक डाई है जो मरीज को इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। पेट सीटी स्कैन जिसको पेट स्कैन भी कहते हैं वो ज्यादातर सीटी स्कैन के साथ ही किया जाता है। कैंसर के स्टेज को निर्धारित करने में मदद करता है। इस टेस्ट में मरीज को एक रेडियो एक्टिव पदार्थ इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है और मशीन शरीर को स्कैन करता है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स और जेनेटिक टेस्ट कुछ ऐसे टेस्ट है जो ट्यूमर टिश्यू पर किए जाते हैं। इनके कई तरह के नाम है जैसे PD-L1, HER2 और MSIH। इस टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर ये पता लगाते हैं मरीज में किस तरह की इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेस्ट का इस्तेमाल ज्यादातर स्टेज 4 कैंसर में किया जाता है।